कैसा सभी लोगों में आप लोगों को बेटर अपडेट दूंगा कि शहर में क्या स्थिति आ रहेगी बारिश की। मेरी पेशों की 24 से थी, लेकिन मैंने अब मुताबिक कल से लेके 26 जुलाई के दरमियान शहर के अंदर गरज चमक और आंधी के साथ बारिशों के इम्कान हैं। लेकिन सोशल मीडिया से समा और जो बाकी चैनल्स हैं वहाँ भी ये अफवाहें चल रही हैं कि 25 से 26 को शहर के अंदर बारिशें होंगी। तो हम आप लोगों को दिखा दें कि क्या ये चल रहा है। कराची में मॉनसून के दूसरे स्पेल का आगाज 25 जुलाई से होगा। बैंक में मस्ती आपने पेशगोई कर दी। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज कहते हैं दो दिन शहर में बादल बरसने का इम्कान है। कराची में मॉनसून के दूसरे स्पेल की तवक्को को तो थी 24 से 26 तक, लेकिन अब कुछ उसमें कंडीशन चेंज होती नजर आ रही है, तो 25-26 को इम्कान है। लेकिन ये कोई इतनी उतना कुछ सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं दिख रहा, कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट इस टाइप की बारिश मतलब की है 25 और 26 को, और एक आधी स्पेल है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा 26 की अगली सुबह या दोपहर तक जा सकता है, यानी एक से डेढ़ दिन का है, और बक्से से कभी हल्की और कभी दरमियानी बारिश मतलब की है। जी देखा जाए अब नाजिन आपने ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा है। बड़ा मेहरबानी नफाओं से बचे बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बोले बड़े छोटे जरूर दुआ ताकि हर लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कराची वाले त्यौहार हो जाए कल से लेकर 26 तक शहर में बारिशें होती रहेंगी, लिहाजा नफाओं से बचें। थैंक यू।